इतना सुंदर बॉक्स लगाया, 4-5 दिन हुआ, सामने से तो होल है और इस साइड से भी बहुत बड़ा सा एक होल बना दिया। क्या बताऊं, इन लोगों का जो काटने का जो तरीका होता है, हाँ, बॉक्स के पास कोई जाएगा तो उसको पसंद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। रेड लोड है अमेज़न। वो अफ्रीकन ग्रे और वो सल्फर क्रेस्टेड कॉकाटू, बहुत अच्छा गहरा दोस्ती हो गया है। कहीं भी रहे दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का फेदर स्क्रैच करता रहता है। चलो अभी सबको हैंड फीडिंग देना है, बहुत सारा बेबी बर्ड इंतजार में है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। हाँ 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 हाँ। और तो सबसे पहले जिनको हैंड फीडिंग कराना है, ग्रेटर सल्फर क्रेस्टेड कॉकाटू का ये जो बेबी है, आ जाओ आ जाओ। हाँ देखो कितना बड़ा हो गया थोड़ा ज़्यादा गड़ा है, इसी के लिए थोड़ा सा पतला कर लेना होगा, क्योंकि पतला खिलाएंगे तो अच्छा डाइजेस्ट होगा। एकदम पतला कर देंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ भी मुश्किल है, हेल्थ ग्रोथ सही से नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बर्ड्स का लेफ्ट साइड में से हम लोगों को फीड कराना है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और एक बार 20 ml हो गया है और ये रहा 30 ml। वाओ, धीरे धीरे कितना छोटा था। आप लोगों ने अगर इससे पहले का वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कितना छोटा था, बिल्कुल भी कोई फेदर्स वगैरह कुछ नहीं था। पहले तो 3 feathers आया और ये सारे 3 feathers अभी काफी बड़ा हो गया है 40 ml के। रुको 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 यार, इतना छोटा एज में कितना पावरफुल झोड़ा दिले क्या हो गया हो गया हो गया हो गया 40 ml, और ज़्यादा नहीं, और भी देंगे तो और भी बहुत लेने के लिए ये चाहेगा, मतलब ना नहीं कहेगा, लेकिन 40 ml से ज़्यादा देना सही नहीं रहेगा। हाँ अच्छा, अभी तुम सबका बारी है, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो 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 आ जाओ आ जाओ। नहीं, तुम्हारा हो गया है। आजा, आजा, आजा। तुम्हारे बारी। अरे तुम्हारा हो गया यार, क्या कर रहे हो, 40 ml 40 ml दे दिया है तुमको रुको। और तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीपंकर, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल पैर दीपंकर। मैं दीपंकर करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पैर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। हाँ हाँ हाँ, सबको देंगे सबको देंगे। और सुबह का टाइम तो एक बार सारे बेबी बर्ड्स को या सारे बड़े टेम बर्ड्स को हैंड फीडिंग देना पड़ता है, ताकि इन लोगों का डेफिशिएंसी ना हो। कुछ है बेबीज ठीक से पेट भर के नहीं खा पाते हैं और बाकी का सब पेट भर के खा पाते हैं, फिर भी डेफिशिएंसी ना रह जाए या मतलब बॉन्डिंग अच्छा रहे, इसी के लिए ऐसे हैंड फीडिंग थोड़ा बहुत देना पड़ता है। हाँ, और एक्चुअली अभी वीडियो थोड़ा सा कम आ रहा है, क्योंकि वो नया फार्म के लिए इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है और इतना सारा हेडेक्स ना, मतलब अलग अलग तरीके का, अलग अलग हेडेक नहीं, ऐसे अच्छा भी लग रहा है लेकिन वो सब सोच समझ के, मतलब दिमाग में लेके तो करना पड़ रहा है ना, तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। और इतना सारा अलग अलग डिफरेंट, मतलब ज़िंदगी में जो सब काम नहीं किया है, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था, मतलब जानता नहीं था, अकेला सब कुछ करना पड़ रहा है तो सब जानना पड़ रहा है परफेक्ट तरीके से करने के लिए, जो जो करना होता है। नहीं नहीं, और नहीं, चलो तुम ले लो ले लो। अच्छा ठीक है ठीक है, तो वो सब जानना पड़ रहा। अरे नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, वो सब काम जानना पड़ रहा है ताकि परफेक्ट तरीके से कर पाए। और आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, और उम्मीद करता हूँ बहुत ही जल्दी हम लोगों का नया फार्म का काम भी कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ जाने के बाद ही हमको शांति मिलेगा। मेरा बचपन से जो ड्रीम था कि इन सारे बर्ड्स के लिए, मतलब यहाँ जो हम लोगों का बर्ड फार्म है, ये तो इनफ स्पेस नहीं है, काफ़ी नहीं है इन लोगों के लिए, बर्ड्स के हिसाब से बहुत ही कम है ये स्पेस। फ्लाई तो कर लेते हैं ओपन आउटडोर एरिया में, फिर भी और भी थोड़ा ज़्यादा जगह मिलता तो और भी अच्छा रहता। और बहुत दिन सारे, नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया हो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। हाँ
ठीक है। और एक्चुअली प्लानिंग था कि ऐसे एक बड़ा सा बड़े जगह में एवियरी बनाएंगे ताकि ये लोग एकदम आराम से फ्लाई कर पाए। और वहाँ प्लानिंग है सारे नेचर का बर्ड्स भी, सिर्फ एग्जोटिक बर्ड्स नहीं, सारे नेचर का बर्ड्स भी, मतलब ऐसे उड़ते हुए हम लोगों का वहाँ आएगा। ऐसे कुछ माहौल बनाएंगे कि नेटिव जो स्पेसीज है, केज तो नहीं करेंगे, केज के अंदर नहीं रखेंगे, लेकिन वहाँ ही आसपास रहेगा। खाने का टाइम में सारे झुंड बना के एक साथ मिलके बहुत सारा नेचर का बर्ड भी आएगा। मतलब अलग एक दुनिया क्रिएट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा काम तो आगे बढ़ चुका है और धीरे धीरे और भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक साल के आसपास, उसके बाद उम्मीद करता हूँ पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, फिर भी आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरा हम लोगों का नया फार्म में आने के लिए, ताकि वहाँ हम लोगों को एक अलग दुनिया देखने के लिए मिले। वहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का कुछ नहीं होगा, नेचर का अंदर बर्ड्स, नेचर का अंदर बर्ड्स का जो शोभा होता है, नेचुरल फील वहाँ, मतलब ऐसे कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कोशिश करूँगा। और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियोज़ में आप लोगों का अपडेट मिलता ही रहेगा। चलो सबका हो गया, और थोड़ा ठीक है, ले लो। चलो यहाँ बैठो, हो गया है तुम लोगों का। अभी थोड़ा सा एवियरी के अंदर जाएंगे और बाकी का जो हैंड फिटिंग फॉर्मूला सबको फिट करा देंगे। ओ देखो हाँ, आ जाओ बाकी सब, किसको किसको लेना है आ जाओ। हाँ, रियो इस साइड में आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मेल बार बार चिल्ला रहा है नहीं वहाँ नहीं जाना है, तुम इस साइड आ जाओ। इसी के लिए रियो कॉन्फ्यूज हो गया था। आ जाओ, ग्रीन विंग मकाओ, सेकेंड लार्जेस्ट मकाओ इन द वर्ल्ड, मतलब इतना बड़ा स्पेसीज। सबसे पहले तो होता है हायसिंथ, उसके बाद ग्रीन विंग। ओ रियो यहाँ आ गया तो। आ जाओ। और कोशिश तो लगातार कर रहा हूँ। मंका नहीं, रियो ये क्या कर रहे हो? मतलब रियो आ गया ना, उसको लेके ना चला जाऊँ, इसके लिए ये भी देखो साथ आ गया। हाँ, क्या कर रहे हो पैर में? और वीडियो ख़त्म करने से पहले और एक बार अंदर जाना चाहूँगा, क्योंकि अफ्रीकन ग्रे ने जो 7-8 अंडा ले किया था उन लोगों का, मतलब मैंने तो कोई अंडा वगैरह कोई बाहर नहीं निकाला, जो है उसका अंदर ही है, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं किया। और देखेंगे आज के क्या फाइनली क्या रिजल्ट है। मतलब डबल क्लच एक साथ हो गया था, कैल्शियम या इतना जल्दी ब्रीडिंग में आने के लिए शायद पहले वाला सारे अंडा अनफर्टाइल था। नहीं रियो, और नहीं, तुम एकदम एंड में क्यों आए? और कुछ नहीं है, हो गया, चलो और नहीं है, फिर से बाद में होगा। तो जो कह रहा था, अरे नहीं यार बाहर जाना है। अफ्रीकन ग्रे का क्या रियो, बाहर नहीं जाना है, यहाँ अंदर रहना है। ठीक है, नहीं तो मेल गुस्सा हो जाएगा। हाँ, तो जो कह रहा था, मतलब क्या है पता नहीं, फिर भी एक बार चेक करके देख लेंगे और आप सभी के साथ भी शेयर करेंगे। फीमेल तो अंदर रहती है और मेल तो ऐसे बाहर रहता है, और यहाँ तो हम लोग का ब्लू फॉन्टेड अमेजन का वो पेयर है। चलो आ जाओ। वाओ देखो, ये देखो वो मेल को, क्या है, डरा रहे हो? हाँ क्या हुआ? डर गया मैं, काटो मत, देखो कितना गुस्सा, देखो। ठीक है, और यहाँ है हम लोगों का चेकिंग का ऑब्जर्वेशन गेट। यहाँ तो मतलब इससे पहले बहुत बार कह चुका हूँ, हर बार कहता हूँ कि ये ब्रीडिंग बॉक्स मेरे लिए लकी है, बहुत पुराना है, इसी के लिए हम लोगों ने इसको चेक नहीं किया। रिपेयरिंग करता हूँ और ऐसे कोशिश करता हूँ। वो देखो, 1, 2, 3, 4, 5 अंडा, 5 अंडा, और उसका उस साइड में भी हो सकता है। सारे अंडे को देख के जो लग रहा है, ये वाला एक है, ये तो अनफर्टाइल है, ख़राब है, ये भी अनफर्टाइल होगा शायद, पता नहीं।
और इसका जो रीज़न होता है इतना जल्दी ये लोग ब्रीडिंग में आ जाते हैं, मतलब साल में 3 बार करते हैं तो ठीक है, 3 के जगह अगर 4 बार कर जाता है तो अनफर्टाइल मतलब डिफिशियंसी तो हो ही जाता है। हम लोग तो भरपूर खाना वगैरह देते रहते हैं। अरे डराओ मत यार। हाँ तो जो कह रहा था 3 बार की जगह अगर 4 बार जब अंडा ले करती है ना तो डिफिशियंसी तो हो ही जाता है, कोई भी कमी नहीं रखते हैं मल्टीविटामिन कैल्शियम्स वगैरह, फिर भी साल में वाइल्ड में 1 या 2 बार करता है, उनकी जगह 3 बार सही है, लेकिन 4 बार जब करेगा ना तो डिफिशियंसी हो जाता है। तो अभी इसका कुछ अच्छा सा बंदोबस्त करना होगा। ये देखो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मतलब इन लोगों का नेस्ट बॉक्स चेक करूँ। ठीक है चला जाता हूँ, बंद कर देते हैं। हम मेल भी अभी शायद अंदर जाएगा, और देखिए हम लोग खाना जहाँ से देते हैं ना उस साइड से बाहर से, और गेट वहाँ है, और मतलब नेस्ट बॉक्स ऑब्जर्वेशन गेट इस केज में आके हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा प्राइवेसी मिलेगा। और एक्चुअली पहले से यही जो अफ्रीकन ग्रे है पैरेट दीपंकर एक्जोटिक बार्ड ब्रीडिंग फार्म का सबसे पहला सबसे पुराना अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग पेयर है। 100 से भी ज़्यादा चिक्स हम लोगों को यहाँ से मिला है, और इन लोगों का जो केज का मतलब चारों तरफ एक बार घूम के दिखाना चाहता हूँ। ये अफ्रीकन ग्रे का पेयर भी बहुत अच्छा है, मतलब एकदम हेल्दी है, उसी के साथ इनका मतलब पूरा सेटअप कैसे है, ब्रीडिंग बॉक्स कैसे लगा हुआ है, कहाँ से खाना दिया जाता है, अंदर कब जाते हैं हम लोग साफ सफाई करने के लिए, पूरा शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए कि सक्सेसफुल ब्रीडिंग करने के लिए, मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे रख के देखा कि हाँ यहाँ अच्छा कुछ हो रहा है, ऐसे सेटअप ऐसे बंदोबस्त ऐसे एकोमोडेशन करके मैंने देखे है कि हाँ बहुत अच्छा ब्रीडिंग हो रहा है। नेस्ट बॉक्स तो हम दिखा देते हैं, बाहर से हम लोग नेस्ट बॉक्स ऑब्जर्वेशन गेट हम लोग यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है ना। और खाना तो वहाँ बाहर से दिया जाता है, मतलब केज का अंदर 15 दिन या 1 महीने के बाद एक बार ही आते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग केज में हम लोग जितना कम आएंगे, और देखिए छोटा सा केज होगा तो साफ सफाई के लिए बहुत एसेंशियल रहते हैं, नहीं तो वो लोग जो पुप्स वगैरह करेगा या खाने का जो वेस्टेज गिरेगा वहाँ से बैक्टीरिया मतलब इन लोगों को हार्म पहुँचा सकता है, इन लोगों का हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होगा, बीमार हो सकता है। लेकिन इसका हाइट कम से कम 9 फीट का है, और हवा का ट्रांसपेरेंसी भी बहुत अच्छा है, तो इसी के लिए मतलब वो जो बैक्टीरिया वगैरह आता है वो बाहर निकल जाता है। और टॉप में एकदम छत का नीचे यहाँ 6-7 इंची छोड़ के एकदम हाइट में नेस्ट बॉक्स हम लोगों ने बाहर से, मतलब नेस्ट बॉक्स भी केज का अंदर नहीं है, नेस्ट बॉक्स केज का बाहर है, ऑब्जर्वेशन गेट मतलब ये केज के अंदर आना पड़ रहा है, लेकिन अगर ये केज नहीं रहता तो बाहर से हम लोग चेक कर पाते। तो ऐसे करके लगाया, और महीने में एक बार केज का अंदर हम लोग साफ सफाई के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो दिखा दिया, और ब्लू फाउंटेड अमेजन का पेयर तो ब्रीडिंग बॉक्स का अंदर जाता है, शायद इस बार हो जाएगा, बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलो, और ये सारे जो अंडा अनफर्टाइल हो रहा है ना उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया। छोटा डब्बा क्यों अंकल जी? नहीं, ऑस्टोभेट और भाई मीरा, अभी तो बहुत सारा मल्टीविटामिन कैल्शियम्स वगैरह वगैरह सब मिलता रहता है, लेकिन मैं जब पहले आज से 7-8 साल 9 साल तभी से तो हाँ आ जाओ ठीक है हेलीकॉप्टर की तरह लैंड किया, आ जाओ तो आज से 7-8 साल पहले तभी तो अफ्रीकन ग्रे मेरे पास बहुत अच्छा ब्रीडिंग होता था। अभी जो बहुत ही महंगा बहुत ही कॉस्टली सारे मल्टीविटामिन कैल्शियम्स वगैरह मिलता है बर्ड्स के लिए, तभी उतना कुछ मिलता नहीं था, तभी से हम जो करते थे ऑस्टोभेट एंड वाइमिरल सस्ते दामों का अंदर और बहुत अच्छा, क्योंकि तभी सिर्फ यही दोनों मिक्स करके, आप लोगों ने अगर मेरा पहले वाला वीडियो मतलब 2-3 साल पहले का अगर वीडियो देखे होंगे तो पता होगा इन दोनों का बारे में बहुत सारा वीडियोस मैंने बनाया कि यही देते हैं फ्रूट्स के साथ वेजिटेबल्स के साथ। एकदम पूरा क्लियर करके और एक बार रिपीट करता हूँ, ऑस्टोभेट कैल्शियम ए मल्टीविटामिन, बर्ड्स का बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी का जरूरत होता है। अगर आपका बर्ड्स आपने जहाँ रखे हैं वहाँ धूप डायरेक्टली सनलाइट आते हैं या यूवी लाइट वगैरह आप लगा के रखे हैं, मतलब घर का अंदर अगर आपका सेटअप है आपका केज है आपका बर्ड जहाँ रखे हैं वहाँ धूप नहीं पहुँचता है, यूवी लाइट भी लगा सकते हैं और वो भी नहीं है, तो मतलब विटामिन D3 कैल्शियम को बर्ड्स का बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी का बहुत जरूरत रहता है। विटामिन D3 के सिवा कैल्शियम बर्ड्स का बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, और मल्टीविटामिन तो बहुत सारा मिलता है, लेकिन भाई मिनरल सस्ते दाम अच्छा क्वालिटी इसका अंदर विटामिन D3 रहता है। मल्टीविटामिन मतलब इनका अंदर बहुत सारा विटामिन रहता है, लेकिन उसका अंदर विटामिन D3 भी होना चाहिए तभी जाके कैल्शियम मतलब। और ये जो कंपनी बनाया ना यहाँ लिखा होगा आप देखिए, ये देखिए ऑस्टोभेट फीडबैक कंपनी का है, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। और इसका जो सिस्टम होता है अंकिल जी कुछ लेके आइए, तो फोटो दिया हुआ है ना यहाँ, मतलब इसका अंदर वाइमिरल ये जो है
इसको ऐसे मतलब एकदम मिक्स करके रख देना है। हम क्या करते थे पहले ये ऑस्टोबेट 500 ml का है, इस 500 ml ऑस्टोबेट के साथ 30 ml मतलब इसका जो रेशियो है ये इसका कॉम्पोजिशन ही है, दोनों को एक साथ मिला के रखना है और उसके बाद मतलब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ हम मिक्स करके देते थे। लेकिन हम जो करते थे 500 ml के साथ 30 ml का जरूरत है मल्टीविटामिन का, लेकिन मैं जो लेके आया 60 ml ताकि मल्टीविटामिन, क्योंकि बार्स देखिए बाकी सारे पेट्स को, काउज को, डॉग्स को, दूसरे सारे एनिमल्स को जो देते हैं वो तो मतलब हम लोगों ने पानी दिया तो पूरा पानी पी लिया और डायरेक्टली पिला दिया, लेकिन बार्ड्स क्या करता है पूरा नहीं पीता है पानी या खाना, तो पूरा थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है क्योंकि वो छूट छिलका उतार के कुछ फेंक देते हैं। तो इसी के लिए मल्टीविटामिन थोड़ा सा ज़्यादा करके मिक्स करके रखता हूँ ताकि कमी ना हो जाए, डिफिशियंसी ना हो जाए। अंकल जी कुछ लेके आए? हाँ अबजार तो अंकल जी के हमेशा अंकल जी का काम देख के तो हंसी आ जाता है, कुछ भी कहेंगे ना तो अंकल जी पूरा ऐसे कुछ लेके आएंगे, अब हंसते रह जाएंगे चमचा से नहीं लेकिन काम चल जाता है, जुगाड़ू है। अंकल जी को कुछ कहूँ तो तुरंत कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाता है। हाँ इसको हटाया, ये गिरेगा, दो पैरों का अंदर ऐसे करके रखना है और इसको 30 ml से पूरा भर जाता लेकिन मैंने 60 ml लाया, तो इसी के लिए हाँ अंकल जी पकड़ लीजिए, पकड़ लिया सवास। अभी इसको आहिस्ते से टाइट कर दिया, अभी सेक करना है, सेक करने के लिए तो जगह ही नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। मिट्टू क्या कर रहे हो, डांस करो। हाँ ठीक है ना, अभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, एप्पल, गुआवा जो सुबह के टाइम हम लोग देते हैं वो तो टुकड़ा टुकड़ा कर लेते हैं, उसके साथ ऐसे करके हम थोड़ा सा दे के मिक्स कर देते हैं और बहुत अच्छा काम करता है, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तभी तो साल में मतलब क्या बताऊँ 3 क्लाजी या उससे भी ज़्यादा हो जाता था और हर बार सक्सेसफुल्ली 3-4 करके बेबी सन कॉर्नी और अफ्रीकन ग्रे कुछ भी कोकाटू मकाउस कुछ भी का बेबी मिल जाता था। फिर से मैं मिडिल में तो बहुत सारा अच्छा अच्छा ब्रांड का बहुत महंगा महंगा बहुत सारा मल्टीविटामिन कैल्शियम यूज़ किया, काम होता है, लेकिन देखा ये जो चीज़ है यहाँ से प्रैक्टिकली हमको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, तो फिर से वापस आया और ये मेरा कॉन्फिडेंट है कि ये अच्छा काम कर जाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने बहुत साल यूज़ किया। ठीक है ना, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मतलब मैं कहीं भी जाऊँ ये मेरा पीछे पीछे ही आता रहेगा। चलो सबको बाय बाय बोल दो, चलो। और तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दूसरा फ्रेंड्स हम लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और आप हम लोगों का चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसके बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर होगा आप वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यूट्यूब में कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल या कमेंट तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब मिलकर एक साथ बाय बाय करना होगा, बाय बाय। और नहीं है एंड में है मंका ले लो, अच्छा रियो थोड़ा सा ले लो, अरे छोड़ो रियो, खत्म, चलो।